क्वेश्चन अपने पास में, यदि अक्ष का मान 5 है तो वितरण 2, 3, 4, 5, 8, 10 में अक्ष के लिए गए विचलनों के वर्गों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो अक्ष दे रखा है ये एक समांतर माध्य अक्ष। ठीक, जो अक्ष समांतर माध्य और उसका मान अपने को 5 दे रखा है, विचलन अपने को ज्ञात करना है। तो विचलन ज्ञात करेंगे तो इनमें से इनको घटा देंगे, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएंगे। वैसे ही सीधा एक एक इसमें से घटा लो, 2 में से 5 को घटाओगे 3 बच जाएंगे। ठीक है, -3 का स्क्वायर, विचलनों के वर्गों का स्क्वायर ज्ञात करना है, प्लस 3 में से 5 को घटाओगे तो 2 बच जाएंगे, -2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 को घटाओगे तो -1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 5 को घटाओगे तो 0 का स्क्वायर, 8 में से 5 को घटाओगे तो प्लस 3 का स्क्वायर, और 10 में से 5 को घटाओगे तो प्लस 5 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 2 2 4, +1 +0, +3 3 9, 5 5 25, जोड़ोगे तो 4 1 5, 25 और 5 30, 30 और 18 48, तो ये टोटल हो गया 48, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।